स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में मैं आपको AU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में BSc मैथ का पार्ट 11, मैंने यहाँ 10 लिखा है लेकिन ये पार्ट 11 है, तो पार्ट 11 समझाने जा रहा हूँ। और इस मतलब वीडियो में मैं आपको क्रमचय संचय टॉपिक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, और क्रमचय संचय का ये दूसरा वीडियो है। ओवरऑल मैथ का पार्ट 11 है और क्रमचय संचय का दूसरा वीडियो है। आप क्रमचय संचय के इसके पहले वाला पार्ट देख लें ताकि आपको सूत्र और परिभाषा समझ में आ जाए, ताकि इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए। मैंने सबसे पहले बहुत सरल क्वेश्चन लिए हैं और फिर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है, इसलिए आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। क्रमचय संचय से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी को जरूर आएगा। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत सरल भी है उसको देख लेते हैं। फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था फैक्टोरियल 7 का मतलब है 1 से लेकर लगातार 7 तक संख्याओं का गुणा, लेकिन हल कैसे करना है इसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 7 गुणते 6 गुणते ऐसे करके 1 तक आना है, लेकिन जब आप नीचे जैसे यहाँ फैक्टोरियल 5 है तो आप 5 तक आकर फैक्टोरियल 5 बनाकर रोक दें, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणित 6 गुणित फैक्टोरियल 5 और बटा नीचे फैक्टोरियल 5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 7 गुणित 6 बचेगा और ये साक्षांक कितना हो जाएगा 42। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। आई होप कि आप सभी को यह प्रश्न समझ में आ गया। हमारा दूसरा प्रश्न है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका सॉल्व हमने यहाँ पर लिखा है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 बराबर। हमने पिछले वीडियो में डायरेक्ट वैल्यू ही बताया कि यदि आप वो याद कर लेते हो तो आप चुटकियों में आंसर दोगे। फैक्टोरियल 7 का वैल्यू 5040 होता है और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है, तो 5040 में से 120 घटाएंगे 4920 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल 12 बटा फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 12 को कैसे लिखना है, 12 गुणते 11 और नीचे यहाँ 10 है तो 10 फैक्टोरियल तक रोक देना है और फिर नीचे जैसे लिखा है उसको लिख दो। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 12 गुणते 11 बचेगा और फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, 2 का पारा इसमें पड़ेंगे 6 बार जाएगा गुणते 11 और 11 6 का कितना होता है 66। आई होप कि आप सभी को यह वाला प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न था। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। तो हमारे पास चौथा प्रश्न आ चुका है। 6 × 7 × 8 × 9 × 10 को क्रम गुणित में परिवर्तित कीजिए। क्रम गुणित का अर्थ होता है फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल में परिवर्तित करना है। कोई चीज़ फैक्टोरियल में तभी बदली जा सकती है जब उसका जो गुणा है वो 1 से लेकर एक निश्चित संख्या तक रहे। यहाँ ये जो गुणा 1 से लेकर है नहीं, इसलिए मैं यहाँ 1 से लेकर 10 तक का गुणा करूँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 का एडिशनल यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब इतना एक्स्ट्रा गुणा मुझे करना पड़ेगा। बाकी 6 से लेकर 10 तक पहले से ही गुणा में है, तो जितने का आपने गुणा किया उतने का ही आप उसमें क्या लगा दें, भाग। आपने 1, 2, 3, 4, 5 तक का गुणा किया तो इतने का आप भाग लगा दीजिए। अब 1 से लेकर लगातार 10 तक की संख्याओं का जो गुणा होगा वो 10 फैक्टोरियल होगा और 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का जो गुणा होगा वो 5 फैक्टोरियल होगा। तो इसे क्रम गुणित में बदलना था, मैंने यहाँ बदल दिया, फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 5 इसका क्या हो जाएगा आंसर। हमारा पांचवा प्रश्न जो है 2 × 4 × 6 × 8 × 10 को, मतलब ये 10 जो है इसको क्रम गुणित में परिवर्तित कीजिए। तो अब देखिए पिछले वाले में 6, 7, 8, 9, 10 था, लगातार था, तो हम 1 से लेकर 5 तक गुणा कर दिए। अब इसमें तो गैप देकर है 1, 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो यदि आप 1 का गुणा करेंगे 3 का गुणा करेंगे तो ऊपर तो काम बन जाएगा लेकिन नीचे 1, 3, 5 हो जाएगा, तो नीचे वाला क्रम गुणित में बदलेगा नहीं, क्योंकि क्रम गुणित में तभी होता है जब लगातार संख्याओं का गुणा हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, इसके लिए मैंने देखिए जो 2 है इसको मैंने लिखा 2 × 1, 2 × 1 = 2। 4 को मैंने लिखा 2 × 2, मतलब 2 × 4। 6 को मैंने लिखा 2 × 3, मतलब 3 × 6। 8 को मैंने लिखा 2 × 4, मतलब 4 × 8। और 10 को मैंने लिखा 2 × 5, मतलब 5 × 10। अब ये 2, 2, 2, 2, 2, 5 बार गुणा में है,
तो दो पर घाते कितना लग जाएगा, पाँच, और यहाँ बचेगा एक, यहाँ बचेगा दो, यहाँ बचेगा तीन, यहाँ बचेगा चार, यहाँ बचेगा पाँच। तो ये आपका वही चीज़ है, एक से लेकर लगातार पाँच तक की संख्याओं का गुणा जो होता है वो फैक्टोरियल पाँच बोला जाता है, इसलिए दो पर घाते पाँच गुणित फैक्टोरियल पाँच। तो यह भी क्रम गुणित में परिवर्तित हो गया। चलिए अब देखते हैं छठवां प्रश्न, फैक्टोरियल सात, फैक्टोरियल आठ तथा फैक्टोरियल नौ का लसा ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए फैक्टोरियल सात को ऐसे लिख दीजिए, फैक्टोरियल आठ को आठ गुणित फैक्टोरियल सात लिख दीजिए, फैक्टोरियल नौ को नौ गुणित आठ गुणित फैक्टोरियल सात लिख दीजिए। लसा क्या होता है बच्चों, जब इस तरह से कोई चीज़ गुणनखंड के रूप में लिख दी जाती है तो जो सब में मिले पहले उसको नोट कर लो, फिर जो दोनों मतलब दो चीज़ों में मिले या तीन चीज़ों मिले उसको नोट कर लो, और फिर बची हुई चीज़ को नोट कर लो। तो इस तरह से जैसे मतलब जो जैसे सात तीन बार है अलग अलग जगह पर तो उसको एक बार लिखेंगे, आठ दो बार है अलग अलग जगह पर तो उसको एक बार लिखेंगे, फिर बाकी जो बचा होगा चाहे इसमें बचे चाहे उसमें बचे चाहे उसमें बचे वो लिख लीजिए। तो इस तरह से ये आया, और ये किसकी वैल्यू थी, फैक्टोरियल नाइन की, तो ये आपका फैक्टोरियल नाइन होगा। तो इसका जो आपका जो क्या कहते हैं लस है वो फैक्टोरियल नाइन होगा। अब चलते हैं सातवें प्रश्न पर, सातवां प्रश्न लिखा है यक्ष का मान ज्ञात कीजिए यदि एक बटा आठ फैक्टोरियल प्लस एक बटा नौ फैक्टोरियल बराबर यक्ष बटा दस फैक्टोरियल। ऐसे प्रश्नों को आप देखिए सबसे छोटे वाले फैक्टोरियल संख्या में तोड़ दीजिए, तो ये आपका वही रहेगा, पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, ये आपका वही रहेगा, इसको मैंने लिखा नौ गुणित फैक्टोरियल आठ, इसको मैंने लिखा दस गुणित नौ गुणित फैक्टोरियल आठ। अब सभी मतलब पदों में फैक्टोरियल आठ आ चुका है, तो आप फैक्टोरियल आठ से दोनों पक्षों में गुणा कर दे, यहाँ फैक्टोरियल आठ से ऊपर गुणा करेंगे तो फैक्टोरियल आठ नीचे कैंसिल हो जाएगा बचेगा एक, यहाँ ऊपर गुणा करेंगे फैक्टोरियल आठ से फैक्टोरियल आठ कैंसिल हो जाएगा बचेगा एक बटा नौ, यहाँ गुणा करेंगे तो फैक्टोरियल आठ कैंसिल हो जाएगा बचेगा यक्स बटा दस नवाई नब्बे। अब ज़रा ध्यान दीजिए, नौ एक का नौ एक दस बटा नौ, और इधर आपका वही चीज़ है, अब 9 से इसको काटेंगे 10 बार जाएगा तो ये आपका आया, और 10 का जब 10 में गुणा होगा तो 10 दहम्मा 100, यक्ष की वैल्यू कितनी आई 100। यदि आप इस प्रश्न का आंसर चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख दिया गया है, नोट करके लिख सकते हैं। चलिए अब आठवां प्रश्न देखते हैं, लिखा है यदि फैक्टोरियल n प्लस टू फैक्टोरियल बराबर 60 गुणते n माइनस 1 इन फैक्टोरियल, तो n का मान ज्ञात कीजिए। करना क्या है ध्यान दीजिए, जैसे संख्याओं में आप तोड़ते हो, जैसे 10 था तो 10 गुणित 9 गुणित 8 मतलब उसको लिखते हो, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, ठीक ऐसे करते हो। तो ऐसे यहाँ पर भी n प्लस 2 लिखो, फिर उससे एक कम करोगे n प्लस 1 होगा, फिर उससे एक कम करोगे n होगा, और फिर उससे एक कम करोगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पर इसलिए रोकोगे क्योंकि बराबर में वही चीज़ यहाँ दिख रहा है तो हमने रोक दिया, ठीक है। फिर आपका ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है, इससे ये कैंसिल हो गया और इधर आपका बचा कितना 60। अब देखो अब अगर आप इन तीनों का गुणा करके फिर गुणनखंड करेंगे तो n की वैल्यू प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखो n से ये एक ज़्यादा है और ये उससे एक ज़्यादा है, तो इसका मतलब तीन लगातार संख्याओं का गुणा करने पर 60 आ रहा है। तो आप सोचो कि कौन सी तीन लगातार संख्याओं का गुणा करने पर 60 आएगा, तो मैंने काफ़ी सोचा और मुझे मिला यहाँ पर 5 गुणते 4 गुणते 3 मतलब 3 से एक ज़्यादा फिर उससे एक ज़्यादा, ठीक है। तो 4 × 3 = 12 × 5 = 60। तो देखो n की जगह तुम्हें क्या दिख रहा है 3, और फिर n की जगह 3 और 1 जोड़ दोगे 4, फिर n की जगह 3 और 2 जोड़ दोगे 5, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आई होप कि आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 9, n प्लस 2 फैक्टोरियल बराबर 2550 गुणते n फैक्टोरियल, तो n का मान। तो हमने फिर वही किया, ये लिखा फिर इससे एक कम कर दिया, फिर इससे एक कम करेंगे तो n फैक्टोरियल, क्योंकि यहीं तक रोकना है क्योंकि इधर n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और इनका आपस में गुणा करेंगे और ये चीज़ मिलेगा हमारा 2550, और ये इधर जाएगा घटेगा तो n स्क्वायर प्लस 3n माइनस जो है 2548 आएगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया बराबर 0। अब देखो इसका गुणनखंड हमने यहाँ पर किया 2 × 2 = 7 = 7 = 13 से कटा, तो इसका गुणनखंड हमने किया 7 × 49 = 13 और 13 × 26 = 52, 49 में 52 में से 49 घटेगा आपका 3 आएगा, तो यहाँ पर हमने लिखा 52 − 49, ठीक है, बाकी वही चीज़ है। अब फिर ये गुणनखंड आप सभी को आता है, इतना करने के बाद n का मान 49 और -52 आया।
अब चूंकि यानी यहाँ पर प्राकृतिक संख्या के लिए ही हमने पहले ही बताया था, जो फैक्टोरियल में परिभाषित होती है यन, वो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या कभी ऋण में होती नहीं, इसलिए -52 नहीं लेंगे, हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 49। आई होप कि यह प्रश्न भी आप सभी को जरूर समझ में आया है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। यदि n बराबर 5 तथा r बराबर 2 तो फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमने इस चीज़ को लिख लिया, n की जगह 5 रखा, r की जगह 2 रखा, फिर n की जगह 5 रखा, फिर r की जगह 2 रखा, फैक्टोरियल 5 को हमने तोड़ा, 5 गुणित 4 गुणित 3 फैक्टोरियल, और ये वही चीज़ है, और 5 में से 2 जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 पंचे कितना बचेगा 20, और ये फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा, इसका इसमें भाग देंगे कितना आएगा 10। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।